नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार करनाल जिले में शराब के ठेके कई शर्तों के साथ बुधवार की सुबह खुले। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान करीब 45 दिनों के बाद शराब के ठेके खुले हैं, लेकिन जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ठेके खुलते ही भीड़ एकत्रित हो जाएगी, लेकिन करनाल में नजारा बिल्कुल इसके विपरीत था। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने शहर में कई स्थानों का मुआयना किया जहां पर शराब की बिक्री की दुकानें हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि यहां प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। यहां आपको बता दें कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा यह शर्तें जारी की गई थी कि शराब के ठेकेदारों को ग्राहकों की लाइन लगाने के लिए ठेके के सामने बैरिकेड्स लगाने होंगे। जिन ग्राहकों के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा और उन्हें अपने पास सैनिटाइजर रखना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। यह भी कहा गया था कि लॉकडाउन के तहत हर ठेके पर ऐसी व्यवस्था हो जो भी शराब लेने आए उसका नाम, पता व मोबाइल नंबर रजिस्टर में अंकित किया जाए। यदि किसी ठेके पर भीड़ हो तो वहां पर टोकन की व्यवस्था शुरू की जाए ताकि भीड़ ना हो पाए। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने जिन स्थानों का दौरा किया वहां पर स्थिति बिल्कुल ठीक थी। कई लोगों ने बातचीत भी की, दुकानदारों द्वारा भी बातचीत की गई। आइए अब आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और इस समय आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 45 दिनों के बाद आज करनाल शहर में भी शराब के ठेके खुले हैं, लेकिन इस शराब के ठेके खोलने के साथ साथ सरकार ने कुछ हिदायतें भी दी थी कि जो भी ठेका खोलेगा उन्हें हिदायतों का पालन करना पड़ेगा, उन्हें रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उन्हें सोशल डिस्टेंस की पालना करनी पड़ेगी। अगर किसी ने भी कोताही बरती तो उसका ठेका तुरंत बिना देर लगाए बंद कर दिया जाएगा। और इस समय हम मौजूद हैं करनाल के हॉस्पिटल स्थित एक चौक ठेके पर, ठेके के बाहर हम हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अफरा तफरी का माहौल नहीं है। यहाँ पुलिस भी मुस्तैद बैठी है, ठेके के बाहर पूरी तरह मुस्तैद है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ऐसा कुछ हुआ करनाल में। सर एक चीज बताइए, आप सुबह से यहाँ पर हैं जब से ठेका खोला? हाँ जी सुबह से ही है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला? नहीं सही, अब तक तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है, शांति से सारा काम। हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। सर आपकी कब से कब तक की ड्यूटी है? मेरी यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे, जब तक ये ठेके खुले रहेंगे तब तक आपकी ड्यूटी है। तो सर जिस तरह से सरकार ने हिदायतें दी हैं इसके लिए आपको क्या गाइडलाइन जारी कर रखी है? सर हमें तो ये कर रखा है यहाँ पे भीड़ नहीं लगने देनी है और एक एक को आगे जाने देना है, सोशल डिस्टेंस का ज्यादा फर्क रखना है इनमें, और गाड़ियों को रोड के ऊपर नहीं खड़ी करने देनी है बस। सर देखिए, ये थे हमारे साथ एक पुलिसकर्मी जो यहाँ पर ठेका खुलने ठेके के बाहर अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उनका पालन करवाया जा रहा है, ठेके के बाहर रश नहीं करने दिया जा रहा, वन बाय वन कस्टमर को भेजा जा रहा है अपना सामान लेने के लिए, रोड पर ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए सड़कों पर वाहन भी नहीं खड़े देने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठेके का बिल्कुल नजारा, यहाँ पर सिर्फ एक या दो सज्जन ही मौजूद हैं जो कि सामान लेने के लिए आए। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस तरह के नियमों की पालना की जा रही है। सर सबसे पहले आपका नाम? विशाल। विशाल जी आप इस दुकान पर मौजूद हैं? हाँ जी। सर जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है सर उनका पालन किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सर, डिस्टेंसिंग रखा हुआ है आपके सामने लगा हुआ सर, और सैनिटाइजर मेरे हाथ में है सर, जब तक आगे सेंटर लगेगा नहीं तब तक आगे जाने दिया जाएगा सर, और बिना मास्क के हम दारू देते नहीं है, और मास्क अगर किसी को जरूरत है तो मास्क भी दे देते हैं हम जो नहीं है, लेकिन दिक्कत है सर। कैसी दिक्कत है? दिक्कत सर हर चीज़ में, अभी कस्टमर मानता नहीं है सर, बहुत मुश्किल से खड़ा करना पड़ता है डिस्टेंस में, फिर उसका नंबर मोबाइल नंबर एड्रेस सब लिखा जाएगा। ये थे हमारे साथ जो यहाँ पर दुकान पर हैं इस समय, इनका ये कहना है कि वैसे ही अपनी तरह से पूरी सरकार की हिदायतों की पालना कर रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियां भी सामने आ रही हैं क्योंकि ग्राहक समझते नहीं हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा रजिस्टर, जिस तरह से सरकार की हिदायत थी कि रजिस्टर को मेंटेन करना है। देखिए जिसके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क दिया जाएगा, जिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा कस्टमर को। ये देखिए मास्क, अब ये देखिए ये मास्क है, ये कस्टमर को प्रोवाइड करवाया जाएगा पहले, ये पहले कस्टमर पीछे। लेकिन इनके पास मास्क है सज्जन आए, लेकिन लगाने का इन्होंने कोई वो नहीं किया, अब ये पहले मास्क लगाएंगे तो इन्हें आगे बढ़ने दें।
चलो इनसे बात करते सर, आप क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंद होना चाहिए इस पोजीशन में, जो देश का हालात है जी, ये ऐसा होना चाहिए जी। आप कितने रस कितने कहाँ तक कभी करेगा जी? हम सर कोई ऐसा माहौल हुआ कि अफरा तफरी का माहौल हुआ था पहले जी? इस समय ये जब ठेके दुकान खुली इस टाइम जी? हाँ जी। इनका ये कहना है कि अल सुबह जब 8 बजे ठेके खुले थे तो 8 से लेकर 9 बजे के बीच में अफरा तफरी का माहौल हुआ था। अब ये एक सज्जन आए हैं दुकान पर, ये देखिए किस तरह से इनको पहले मास्क पहनने के लिए कहा गया, इनको सैनिटाइज भी किया गया प्रॉपर। हाँ जी, इनका ये भी कहना था कि इस मौजूदा हालात में जिस तरह देश पे आपदा है उसमें ठेके नहीं खुलने चाहिए थे, इससे भीड़ के बढ़ने की शंका भी है। ये देखिए एक और सज्जन है, इन्होंने मास्क लगाया, वो इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आप रामजस जी, कितने दिनों के बाद आप यहाँ पर आए? सर कम से कम नहीं तो 1.5 महीना हो गया। डेढ़ महीने तक आपको मिली नहीं? ना। अब सरकार ने जैसा कि आपको बता रखा है कि आपको इन चीजों की पालना करनी है, वो कर रहे हैं? हाँ। आपको यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं आ रही? ना कोई परेशानी नहीं। ये थे हमारे साथ जो इस दुकान पर सामान लेने के लिए, इनका ये कहना है कि ये भी सरकार की हिदायतों का पालन कर रहे हैं। हाँ, 1.5 महीने के बाद ये जरूर पहुंचे हैं यहाँ पर। ये 1.5 महीने एक और सज्जन अब लाइन में लग चुके हैं। हाँ जी सर, भैया आपका नाम? निशांत है जी। ये जी आप कितने समय के बाद यहाँ पर आए? मैं लॉकडाउन के बाद ही आया हूँ जी। लॉकडाउन के बाद तो सर आप डेली लेते हैं? नहीं सर, आज ही आया हूँ। तो सर यहाँ पर कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी ये कहना है कोई परेशानी नहीं आने, कोई परेशानी नहीं है। ये 1.5 महीने के बाद लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, जब आज खुला है तो उसके बाद अब आए हैं। ये देखिए सर किस तरह से इनको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ जी, ये देखिए भैया आपका नाम? भाई साहब मैं तो लेने आया हूँ, दोस्त की वो खड़े हैं वो। हाँ, ये अपने दोस्त के लिए लेने आए। एक और सर हमारे साथ जना हमारे साथ भाऊ जी आप अशोक बार। हाँ जी अशोक सर, आप भी सामान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? किसी को देनी है। हाँ, ये किसी के लिए, ये भी किसी के लिए लेने हैं। इनका ये कहना है कि ये देखिए अब ये लेके चल दी। हाँ जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको आज? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। हाँ जी, पहले कहीं से लेते थे? ना कहीं, बस सब बंद है। सब बंद था। तो महंगी मिली कि सस्ती मिली? सर तो आप तो 250 रुपये में दे रहे हैं। पहले कितने की दे रहे थे? अब पहले तो 230 ऐसा कुछ मिल रहा था। 20 रुपये बढ़ गया मतलब? हाँ। तो हमारे ही आपसे एक गुजारिश है, इसको ज्यादा नहीं पीना, ये सेहत के लिए हानिकारक भी तो होती है, आपको सब पता है। नहीं नहीं, वो तो मालूम है। ठीक है, हम लोग ज्यादा नहीं पीते, प्रेस वाले हैं ना, सारा दिन तो पीते नहीं है, शाम को कपड़ा सबका दे दिए प्रेस करके, तो खाना पीना खाने बैठने लगे तो थोड़ा थोड़ा ले लिए। देखिए इनका ये कहना है कि इनको 20 रुपये महंगी मिली है, लेकिन समाचार एक्सप्रेस की टीम इनसे यही अपील करती है कि ये जो शराब है वो सेहत के लिए हानिकारक है, कम से कम इसको उपयोग करें, कम से कम, क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक है। इनका ये कहना है कि ये कम लेते हैं, आप 1.5 महीने के बाद ये लेने के लिए आए हैं, 20 रुपये महंगी जरूर मिली है, पहले 230 का ये हाफ मिलता था, 250 रुपये का इनको हाफ मिला है। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। भाऊ जी महंगी मिली सस्ती मिली? पता नहीं, मुझे कभी पहले ली नहीं है। इनका भी ये कहना है, इन्होंने पहले कभी नहीं ली, लेकिन ये किसी जानकार के लिए लेने हैं, महंगी सस्ती का इनको कोई पता नहीं है, पहले क्या रेट थी अब क्या रेट, इनको कुछ नहीं पता। आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज सुखद है यहाँ पर, एक चीज सुखद है कि यहाँ पर किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल नहीं है, 1 बाय 1 सबको दिया जा रहा है, दुकानदारों द्वारा बकायदा रजिस्टर को मेंटेन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, यानी कि जिला प्रशासन ने जो इनको आदेश दिए थे उन आदेशों की पालना कर रहे हैं। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ये देखिए हमें थोड़ा सा पीछे हटते एक बार फिर से लोग आ चुके हैं, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, 1 बाय 1 को अटेंड भी किया जा रहा है, किसी तरह का माहौल, ऐसा माहौल पैदा नहीं किया जा रहा कि ताकि भीड़ हो, ये देख सकते आप बिल्कुल देख सकते हैं। हालांकि सबसे सुखद स्थिति करनाल की यह रही, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ था, यूपी में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ था, ऐसा कोई भी माहौल हमें करनाल में देखने को नहीं मिला, ये सुखद है और प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय है। हम समाचार एक्सप्रेस की तरफ से यही अपील जनता से करेंगे कि वो प्रशासन का सहयोग बनाए रखें, प्रशासन ने अगर इनके लिए सुविधा प्रदान की है तो इस सुविधा का वो सदुपयोग करें, बिना किसी कारण से घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। मौजूद है करनाल के बस स्टैंड के सामने स्थित
एक शराब के दूसरे ठेके पर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरह से बैरिकेड्स को लगाया गया है, वन बाय वन लोगों को आने, कस्टमर्स को आने दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए तैनात हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? यहाँ से बिल्कुल सही व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जब कोई आता है उसको सैनिटाइजर किया जाता है, उसके बाद उसको बोतल दी जाती है। ठीक है, अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क दिया जाता है। सर, कोई अफरा तफरी का माहौल भी ऐसा हुआ सुबह जैसे 8 बजे खुले थे उस दौरान, ऐसा कोई माहौल पैदा हुआ कि यहाँ पर भीड़ लग गई एकदम और आप लोगों को भी मुशक्कत करनी पड़ेगी उनका समझाने के लिए? यहाँ वैसे ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। वैसे जब भी ज़्यादा लोग हो जाते हैं डिस्टेंस में बोल देते हैं, वैसे लोग समझदार हैं, खुद ही डिस्टेंस में रहते हैं। अगर कोई नहीं समझता तो उसको बता देते हैं डिस्टेंस में रहना है, जितना खुले में रहेंगे इनको अच्छा, लोगों के लिए अच्छी बात है। क्योंकि इनका ये कहना है कि करनाल में ऐसे ठेके खुले हैं लेकिन यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल बंदोबस्त किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है, लोग समझ आ रहे हैं करनाल के, वो उनका सहयोग कर रहे हैं। सर, कोई और तरह की परेशानी आपको? नहीं, अभी तक तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जी, हम बात करने का प्रयास करते हैं एक दुकानदार से। सर, आपको ग्राहकों को लेकर कोई समस्या आ रही है? ना, कोई समस्या नहीं। सर, जो सरकार ने कहे थे प्रबंध करने के लिए उनका क्या किया जा रहा है? ठीक है, प्रबंध सेंटर है, मासी है, लगा के आ रहे हैं। कोई रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं आप जो लेके जा रहे हैं उसका नाम पता लिख रहे हैं? नहीं, नहीं, सरकार ने तो ये भी कहा ना उनका नाम पता आपको लिखना है। कोई दिक्कत नहीं आ रही, परेशानी? आराम से सामान बिक रहा है? आराम से। सर, कोई बढ़ोतरी हुई है दामों में? हाँ जी। कितनी? पहले थी 140 की, अब 170 की है, कोरोना की वजह से पता नहीं टैक्स लगेगा कोई 20-30%। देखिए, इनका ये कहना है कि इनके द्वारा सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे, रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, लेकिन जो देसी की बोतल पहले 140 की मिलती थी वो 170 की हो गई है, वो भी सरकार के आदेश हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से कोई बढ़ोतरी नहीं की। ये देखिए, ये लाइन में है जो लेने के लिए खड़े हैं, ये देखिए आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, देखिए इस तरह से यहाँ पर अब वन बाय वन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके, हाथों को सैनिटाइज करके, मास्क लगाकर लोग आ रहे हैं, उन्हें उनका सामान दिया जा रहा है। किसी भी तरह कोई हो हल्ला, कोई भीड़, जैसे कि खबरों में दिखाया गया था कि दिल्ली के अंदर था, यूपी के अंदर था, इस तरह का कोई भी मामला हमारे करनाल में अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। हम 3 से 4 जगह का ऑन स्पॉट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, दिखा भी चुके हैं आपको, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। सर, ये देखिए कि ये सज्जन हैं जो भी सामान लेकर जा रहे हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, ये कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये 70 रुपीज़ ही कह रहे हैं सर। हाँ जी, तो आपको कितने दिनों के बाद मिला है सामान? अब सर, सामान तो तकड़े मिल रहा है पर जो कालाबाजारी बंद हो गया वो नहीं, बस सर। देखिए, इनका ये कहना है कि सरकार ने ठेके खोल दिए से कालाबाजारी बंद हो गई है लेकिन जो सामान इन्होंने लिया है उसमें 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब मैं दुकानदार से बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? रामकुमार। रामकुमार जी, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं, कोई सरकार ने, जो सरकार पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और हमने भी हर कस्टमर के पहले सैनिटाइजर करवाते हैं हाथ, पैसे देने के बाद भी और बोतल देने के बाद भी सैनिटाइज का पूरा ध्यान है। और दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? दामों में ये 5% कोरोना COVID-19 के मुताबिक 5% तो उनका है, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। वैसे जैसे देसी की बोतल पहले 170 की थी, अब 170 कर दिया, पहले 140 की थी, तीसरी बढ़ोतरी हुई है उसमें। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? देखो जी, ऐसा है, नशा तो लोगों के लिए वो बन गया है, लोग तो पिएंगे। हाँ, पर ये है ठेके खुलने के बाद प्रशासन ने ये अच्छा काम किया कि लोगों की कालाबाजारी बंद कर दी, सारा होता खत्म हो गया है लोगों की, अब लोग आराम से और अच्छी शराब लोग आराम से पी सके। सर, ये देखिए, ये रेट लिस्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रेट लिस्ट है। और इन्होंने, इन सज्जन ने भी हमें जानकारी दी कि किस तरह से जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा हिदायतें दी गई हैं, जो भी सावधानियां बरतने के लिए ने कहा गया पूरी तरह से उनका मेंटेन किया जा रहा है, सैनिटाइज यूज किया जा रहा है, मास्क यूज किए जा रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है,
हालांकि कोविड 19 को लेकर दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इनका साथ में साथ ये भी कहना है कि सरकार द्वारा ठेके खोलने से यह हो गया कि लोग अब अच्छी चीज़ को ले सकेंगे। जो कालाबाजारी मिल रही थी, जो ब्लैक में मिल रही थी, हो ना हो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट भी हो सकती थी। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।